हम सबको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हम प्रैक्टिस या वर्कआउट करते हैं, जब हम ट्रेनिंग करते हैं, तो हमारी बॉडी में क्या क्या होता है, ठीक है। जब हमें पता होगा कि हमारी बॉडी क्या क्या लूज़ करती है, ठीक है, तभी ना हम अपने लिए एक प्रॉपर डाइट बना पाएंगे। तो चलिए इसे समझते हैं। जब हम ट्रेनिंग और वर्कआउट करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो हमारी बॉडी में होता है वो होता है इन्फ्लेमेशन, ठीक है। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है जैसे कि एलर्जी, जब हमें एलर्जी होती है तो हमारे बॉडी में रैशेज और जो दाने दाने उठते हैं उसे इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। वैसे ही सेम इन्फ्लेमेशन हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स में होते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए हमें चाहिए होता है एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। आपको एंटीऑक्सीडेंट्स कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको आगे बताऊँगा। उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है हमारे बॉडी में वो होता है मसल डैमेज। जब हम वर्कआउट करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो मसल डैमेज होता है। तो मसल डैमेज को रिपेयर करने के लिए हमें तीन चीज़ होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तीन चीज़ होता है जिसको बोलते हैं फैट्स, कार्ब्स एंड प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ होती है हमारे बॉडी में वो होता है स्वेट। स्वेट से हम आयरन, पोटाशियम, जिंक, मिनरल्स जो होते हैं हमारी बॉडी के उसको लूज़ करते हैं। तो स्वेट को हमें रिपेयर करने के चाहिए होता है इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स, ठीक है। तो अब हमें समझ में आ गया है कि हमारी बॉडी में क्या क्या होती है और क्या क्या चीज़ें हमारी बॉडी को चाहिए होगा। तो अब हम लोग डाइट पर बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आपको सोने से पहले, जो आप रात को सोएंगे, आपको सोने से पहले सोप करना है चार चीज़ें। सबसे पहली जो चीज़ है वो है ग्राउंडनट, दूसरा है मूंग, तीसरा है चना और चौथा है पिस्ता बादाम, ठीक है। आप इन चार चीज़ों को अगर सोप कर सकते हैं, ठीक है, रात को सोने से पहले पानी में डाल दीजिए, अगर ये आप कर सकते हैं तो बहुत बेटर है, वरना इन चार में से कोई भी दो या फिर एक, ठीक है, आप सोप करके रख दीजिए, ठीक है। लेकिन पहले रात को जब आप सुबह उठ जाएंगे, तो सबसे पहली चीज़ आपको करना है वो है आपको 1 से 2 ग्लास ऑफ वाटर ड्रिंक करना है, ठीक है। आपको 1 से 2 ग्लास ऑफ वाटर ड्रिंक करना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा पानी गर्म करना है। पानी गर्म करने के बाद जैगरी, गुड़, जो गुड़ होता है इतना सा आपको गुड़ लेना है गर्म पानी के साथ, थोड़ा गर्म पानी, ठीक। गुड़ में होता है पोटाशियम, मैग्नीशियम, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, ठीक है। ये आपको पूरे मतलब वर्कआउट में आपको एनर्जी देगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेचुरल कॉल होने वाला है, ठीक है, जैसे कि आप ब्रश करेंगे, काफ़ी चीज़ें जो होती है हमारे नेचुरल कॉल्स जो मॉर्निंग में होता है, उसके लिए आपको हेल्प करेगा, ठीक है। आपके डाइजेशन में हेल्प करेगा, जो भी आप खाने वाले हैं प्री मील में, उसके लिए आपको गुड़ है वो हेल्प करेगा, ठीक है। और साथ ही साथ जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो लेथार्जिक फील करती है, तो जो गुड़ है माइंड को, सोल को, आपकी बॉडी को वेक करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है, बूस्ट करता है। उसके बाद फिर आप अपने नेचुरल कॉल्स के लिए कर सकते हैं, आपको नहाना है, ब्रश करना है, ठीक है, जो भी नेचुरल कॉल्स होते हैं आप वो सब कर सकते हैं। तो जैसे ही आप उसे कंप्लीट कर लें, वो जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको सबसे पहले जो चीज़ करनी है वो है आपको फ्रेश फ्रूट खाना है, ठीक है। फ्रेश फ्रूट कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि एप्पल, बनाना, पोमोग्रेनेट, ठीक है, जो भी फ्रेश फ्रूट है आप खा सकते हैं। और उसके बाद जैसे आप फ्रेश फ्रूट खा लेंगे, उसके बाद आपको तुरंत कॉफ़ी, ठीक है, आपको कॉफ़ी मतलब बनने के लिए देना है, ठीक है। कॉफ़ी आपका 3-4 मिनट बन जाएगा। आप कॉफ़ी कब पीना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आप जैसे ही बनाने का फ्रूट ले लें, आप कॉफ़ी फिर बनने के लिए रख दीजिए। अब आता है प्री मील, ठीक है। प्री मील के चार अल्टरनेटिव है, ठीक है, चार में से आप कोई भी एक चूज़ करके अपना प्री मील ले सकते हैं। सबसे पहला जो मील है वो आप क्या कर सकते हैं कि आपने जो सोक किया था लास्ट नाइट, जो आपने सोक किया था ग्राउंडनट, चना, फिर आपने अगर मूंग पर पिस्ता बादाम, जो भी आपने सोक किया था, उसे आप टमाटर, एक टमाटर और एक प्याज के साथ ले सकते हैं, ठीक है। प्याज काट के, टमाटर काट के, छोटा छोटा करके उसको आप ले सकते हैं, ये पहला मील। लेकिन अगर किसी को ये पसंद नहीं आ रहा है तो दूसरा अल्टरनेटिव है कि आप सोक्ड, आपने जो भी सोक किया है उसके साथ आप फ्रूट्स ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वेजिटेबल में जैसे नीन और टमाटो नहीं पसंद है तो आप फ्रूट ऐड कर सकते हैं, फ्रूट जैसे कि बनाना, एप्पल, पोमोग्रेनेट, ठीक है, ये सब ऐड करके उसके साथ ले सकते हैं। ये हो गया दो। उसके बाद तीसरा, अगर आपको, आपने जो भी सोक किया, अगर आपको नहीं खाना है या फिर मान लीजिए आप भूल गए हैं सोक करना, तो आप कह सकते हैं सिर्फ फ्रूट्स, ठीक है, आप आपके पास जितने भी फ्रूट्स हैं उन सबको आज काट के अच्छे से, ठीक है, सबका मिक्सचर, फ्रूट्स का मिक्सचर आप ले सकते हैं, ठीक है, एप्पल, बनाना, पोमोग्रेनेट, ठीक है, फिर जो भी अभी सीजनल फ्रूट्स हैं वो सब एक साथ आप एक दो ले सकते हैं, ठीक है। आप कोई कोई ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो मॉर्निंग में कुक फूड खाना पसंद करते हैं, या फिर किसी किसी का मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बन जाता है, ठीक है, या फिर कुछ कुक खाना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं,
रोटी, अगर रोटी बन गया है तो रोटी ले सकते हैं या फिर ब्रेड, ठीक है, आप ब्राउन ब्रेड या फिर ब्रेड ले, ब्रेड के साथ पीनट बटर, ठीक है, पीनट बटर ऐड कर सकते हैं आप। पीनट बटर क्यों? क्योंकि पीनट बटर में होता है तीन चीज़ें, तीन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमें चाहिए होता है बॉडी को, जो बॉडी को मसल डैमेज को रिपेयर करने के लिए, वो होता है फैट्स, प्रोटीन एंड कार्ब्स। तो पीनट बटर में फैट्स, प्रोटीन एंड कार्ब्स तीनों होता है, तो इसलिए आप रोटी या फिर आप इसे ब्राउन ब्रेड के साथ ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इसमें नट्स जैसे कि डेट्स, फिर पिस्ता बादाम, फिर काजू, अगर ये सब ऐड कर पाएँ, ठीक है, तो और अच्छा है। तो अब इसके बाद आपका कॉफ़ी जो है अब तक बन चुका होगा, ठीक है, आपने ये मील कंप्लीट करने के बाद आपका जो कॉफ़ी है वो बन चुका होगा। तो आप इस, आपको क्या करना है, इसके बाद कॉफ़ी लेना है। कॉफ़ी जो है एक बहुत ही अच्छी चीज़ है आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, ठीक है, आपको कॉफ़ी जो है एकदम बूस्ट कर देगा। अब आपको क्या करना है, अपना बैग सब कुछ पैक करना है। पैक करने के बाद जब आप निकलेंगे, जब आप घर से निकलेंगे, तो आपको एटलीस्ट एक बनाना या फिर एक एप्पल अपने हाथ पे जाते हुए खाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्री वर्कआउट में, पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने क्लियर कर दिया। अब है पोस्ट वर्कआउट। अब आपने ट्रेनिंग कर लिया, एक दो घंटा आपने ट्रेनिंग किया, उसके बाद जब घर पे आते हैं तो आपको क्या करना है, घर पे आने के बाद सबसे पहले तो थोड़ी देर बैठना है, एक दो मिनट बैठना है। बैठने के बाद आपको सबसे पहली चीज़ पानी, एक बोतल में पानी अपने पास रखना है, ठीक है। ये पोस्ट वर्कआउट जो मील बताऊंगा आपको, उस प्रोसेस में वो जो पानी है, एक लीटर पानी, उसको ख़त्म करना है, ठीक है। तो पोस्ट वर्कआउट में चार अल्टरनेटिव्स हैं मील के, ठीक है। सबसे पहला जो मील है आप ले सकते हैं पोस्ट वर्कआउट के बाद, वो है मिल्क, उसके बाद ओट्स। आप मिल्क के साथ ओट्स को मिला के उसको 3 से 4 मिनट तक कुक कीजिए, ठीक है, थोड़ा सा वो गर्म हो जाएगा, कुक्ड हो जाएगा, तो उसके बाद आप उसमें पीनट बटर या फिर नट डाल के, नट्स डाल के उसे खा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा मील है आप ले सकते हैं पोस्ट वर्कआउट के बाद, वो ये, आपने सोक किया था चना या फिर ग्राउंड नट, जो भी आपने सोक किया था, उसको आप फ्रूट्स के साथ ले सकते हैं, ठीक है। आप फ्रूट्स ले, जैसे कि आपके घर में अगर एप्पल है, बनाना है, पोहो है, जो भी है, जो भी फ्रूट्स है, उन सबको आप काट के उसके साथ मिला के खा सकते हैं, ठीक है। और साथ में अगर आपको गुड़, जैगरी जो गुड़ है, वो आपको खाने के लिए मिल जाए तो बहुत अच्छा है। उसके बाद जो तीसरा मील आप ले सकते हैं, मान लीजिए आपको ये मील ही पसंद नहीं है, तो तीसरा मील जो आप ले सकते हैं वो ये कि आपने सोक किया था, ठीक है, आपने जो सोक किया था ग्राउंडनट, चना, फिर जो भी आपने सोक किया था, उसके साथ आप स्वीट पोटैटो, जो स्वीट पोटैटो होता है, ठीक है, या फिर पोटैटो, अगर आपके पास स्वीट पोटैटो अवेलेबल नहीं है तो पोटैटो को, ठीक है, उसको आप मतलब बॉयल करके ले सकते हैं इनके साथ। अब ये भी आपको पसंद नहीं आता है तो चौथा मील जो है, तो चौथा अल्टरनेटिव है जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आपने सूप किया था, ठीक है, उसके साथ आप सैलड ले सकते हैं, ठीक है, सैलड, बीट रूट होता है, ठीक है, उसको आप ले सकते हैं। सूप जो आपने चीज़ें किया था, फिर उसके बाद बीच में आपका बीट रूट और सैलड, ये तीन चीज़ आप मिक्स करके खा सकते हैं पोस्ट वर्कआउट में, ठीक है। तो ये चार अल्टरनेटिव्स थे पोस्ट वर्कआउट के। तो अगर आपने ये सब चीज़ें की है, जैसे मैंने आपको बताया पूरा प्रोसेस, अगर आपने इस प्रोसेस को फॉलो किया तो आपका जो बॉडी है वो 80% रिकवरी फेज में आ चुका है, ठीक है। आपकी बॉडी को 80% चीज़ें मिल चुकी है, ठीक है, रिकवरी के लिए। अब बचा है 20% चीज़ें, वो आपको आपके ब्रेकफास्ट से मिल जाएगा। तो आपको ये सब चीज़ें खाने के बाद 20-30 मिनट्स के बाद आपको ब्रेकफास्ट लेना है। तो ब्रेकफास्ट में आप क्या कर सकते हैं, आपके घर में जो भी बनेगा, अगर आपके घर में उपमा बनता है, रोटी बनता है, चावल बनता है, कुछ भी ब्रेकफास्ट में बनता है, तो उसको आप लीजिए, ठीक है। साथ में पीनट बटर ऐड कीजिए, पीनट बटर या फिर हनी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में एग, अगर आप ऐड कर पाएंगे एग्स, 2 eggs, तो बहुत अच्छा है। या फिर मिल्क, अगर आप मिल्क ऐड कर सकते हैं, मिल्क ऐड कर लीजिए, और नट्स, ठीक है, डेट्स, रेजिन्स, काजू, पिस्ता बादाम, ये सब अगर आप ऐड कर सकते हैं तो ऐड कीजिए अपने ब्रेकफास्ट में, ठीक है। तो ये था ब्रेकफास्ट आपका। तो ये पूरा का पूरा जो मैंने प्रोसेस आपको बताया, तो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो इससे अच्छा डाइट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इससे अच्छा डाइट आपकी बॉडी के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको जो बॉडी है जो लूज़ किया है, आपको जो इन्फ्लेमेशन हुआ है, आपको जो स्वेट लूज़ हुआ है, आपको जो मसल डैमेज हुआ है, वो सारी चीज़ें जो जो मैंने डाइट बताया है वो आपको कवर कर देगी, ठीक है। मैं आपको क्लियर कर दूँ कि इस वीडियो में मैंने एक न्यूट्रिशनिस्ट की हेल्प ली है, उनसे मैंने 1.5 आवर डिटेल में बात किया है, और ख़ुद के एक्सपीरियंस और रिसर्च करने के बाद ही मैं आपके लिए ये डाइट प्लान लेकर आया हूँ। तो ज़रूर आप इमिडिएटली इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है या अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड डाइट चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स यही था पूरा मॉर्निंग डाइट आपके लिए। इसके बाद जो वीडियो बनेगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको आफ्टरनून और इवनिंग के डाइट में क्या लेना है। जाने से पहले मैंने एक वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसमें मैं खुद ट्रेनिंग देता हूँ। अगर आपको फुटबॉल की ट्रेनिंग करनी है, ठीक है, अपने फिटनेस के लेवल को बढ़ाना है घर में बैठे बैठे, तो ज़रूर नीचे नंबर दिया हुआ है, ठीक है, आप वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक, फ्री वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वीक में 4 डेज। अगर आपको करना है, अगर आप इंटरेस्टेड है, ज़रूर नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा जरूर लाइक कर दें, शेयर करें अपने फ्रेंड से। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।